भारत माता की। युवाओं जैसी आवाज तो निकालो भाइयों, भारत माता की। जरा दोनों मुट्ठी बंद करके भारत माता की। युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति, युवा शक्ति, युवा शक्ति। आज कैसा चरखी दादरी की पवित्र भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में पधारे युवाओं का ये युवा सम्मेलन और इसमें उपस्थिति हमारे यहां के सांसद चौधरी धर्मवीर जी, यहां के विधायक भाई सुखविंदर सिंह जी मांडी, श्री घनश्याम जी सराफ, श्री विशंबर वाल्मीकि जी और हमारे युवा आयोग हरियाणा के युवा और नौजवान संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष श्री यादवेंद्र सिंह जी संधु, पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री संदीप जोशी जी, जिला अध्यक्ष श्री रामकिशन शर्मा जी, जिला अध्यक्ष श्री नंदराम धानिया जी, प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री मनीष यादव जी, चेयरमैन दादरी नगर परिषद श्री संजय छपारिया जी, हमारे अर्बन लोकल बॉडीज खेल और युवा मामले, इसके हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आनंद मोहन शरण जी, डिविजनल कमिश्नर श्री पंकज यादव जी, सभी अन्य मंचासी नेतागण सामने बैठे मेरे युवा साथी भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, उपस्थित सभी साथियों, बहुत ही आज मन गदगद हो रहा है आप लोगों को यहां देखकर। ये युवा शक्ति हमारे देश का भविष्य, इस भविष्य को सामने देखकर मुझे लगता है कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। चूंकि आज का युवा यही हमारे देश का कर्णधार है, इस युवा ने इस देश की आजादी की यदि याद करें तो इस देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए बलिदानियों के जत्थे के रूप में, क्रांतिकारियों के जत्थे के रूप में एक से एक आगे बढ़ने की होड़ को लेकर के जो उस समय काम किया, जिसके कारण से हमको आजादी मिली, आज अगर हम सब लोग खुली हवा में आजादी की सांस ले रहे हैं तो यह मेरी युवा शक्ति है जिसका सारा श्रेय उसको जाता है। सामने ये बसंती रंग की पगड़ियां मैं देख रहा हूं तो याद आ रहा है वो गाना कि रंग दे, एक बार बोल के दिखाएंगे, रंग दे बसंती चोला मेरी माए, रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन के निकला ये मस्तों का टोला, चोला माए रंग दे बसंती चोला। ये बसंती चोला, ये बलिदान का चोला, जब भी जरूरत पड़ी है हमारा ये युवा ये आगे आया है,
चाहे वो देश की रक्षा करने की बात हो, चाहे वो समाज के नाते से किसी भी प्रकार के आंदोलन करने की बात हो, ये युवा हमेशा आगे रहा है। और फिर हरियाणा का युवा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ के आज भी बड़ी संख्या में इस देश की सुरक्षा करने में देश के बॉर्डर पर लगा हुआ है। हमारा हरियाणा की जनसंख्या का अनुपात देश का केवल 2% है, सिर्फ 2%। हमारी आबादी 2.5 करोड़ है, देश की आबादी 225 करोड़ है। लेकिन जब देश की सेनाओं का, देश की जो हमारी डिफेंस फोर्सेस का अनुपात लगाया जाए तो हरियाणा का हिसाब आता है 10% आता। मित्रों 10% हम इस देश की सेवा अपनी आबादी से भी, हमारे जो अनुपात उससे 4 गुना आगे बढ़कर के हम कर रहे हैं। और इस युवा को हमेशा अपनी ताकत बनाए रखने के लिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया कि हरियाणा प्रदेश में युवा आयोग का गठन किया। और देश में यह दूसरा प्रदेश है जिसमें युवा आयोग का हमने गठन किया है, जिसके अध्यक्ष हमने हमारे भगत सिंह के वंशज, सरदार भगत सिंह के वंशज, जिनका नाम लेते ही रगों में खून दौड़ पड़ता है। तो सरदार भगत सिंह के वंशज हमारे भाई यादवेंद्र सिंह जी संधू, उनका पहला प्रदेश अध्यक्ष युवा आयोग का हमने बनाया है। हमको प्रेरणा मिलती है सरदार भगत सिंह जी से, हमको राजगुरु सुखदेव प्रेरणा मिलती है, चंद्रशेखर आजाद उनसे प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए मित्रों, इस युवा शक्ति को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, हरियाणा की युवा शक्ति को कैसे योग्य, गुणवान, अच्छे मार्ग पर चलने वाला ये बनाया जाए, तो युवा आयोग के माध्यम से बहुत से काम करने वाले हैं। पहला विषय होता है कि युवक की शिक्षा ठीक होनी चाहिए। हमारे यहां स्कूलों में, कॉलेजेस में पिछले 5 वर्ष के अंदर शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जाए, हम लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके हमारी बेटियां, महिलाओं की शिक्षा, ये कैसे आगे बढ़े। हरियाणा में एक साथ हमने 20 किलोमीटर के अंदर अंदर कॉलेज होना चाहिए, इस वर्ष 29 नए महिलाओं के कॉलेज हमने खोले हैं। 29 नए महिलाओं के कॉलेज, किसी एक 5 साल के काल में इतने महिलाओं के कॉलेज कभी नहीं खुले। अगर इस शिक्षा में हम आगे बढ़ेंगे और शिक्षा के साथ साथ संस्कार, देशभक्ति का भाव, समाज की सेवा का भाव, ये भी हमारा आना चाहिए। इसके लिए भी हम युवाओं को कई बार बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से दिशा देने के लिए, उनको एंगेज करने के लिए, हमारी शक्ति ये चैनलाइज हो जाए, हमको कोई रास्ता हमारा भटका ना दे, हमने बड़े बड़े मैराथन युवाओं के माध्यम से किए हैं। हिसार में मैराथन किया, सिरसा में मैराथन किया, पानीपत में महिलाओं का मैराथन, पिंकाथन जिसका नाम दिया वो हमने किया, पंचकुला में मैराथन किया, यमुनानगर में मैराथन किया, पंचकुला में मैराथन किया, गुड़गांव में मैराथन किया, सब जगह 50,000 युवा इकट्ठे होते हैं एक संदेश को लेकर के, अपने लिए भी समाज के लिए भी आगे बढ़ते हैं। कभी हम पर्यावरण का संदेश देते हैं, कभी हम नशा मुक्ति का संदेश देते हैं, कभी हम सड़क दुर्घटनाओं में कैसे कमी लाई जाए, सड़क सुरक्षा इसका संदेश देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हैं। समाज के अंदर आज बहुत सी कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों को दूर करने के लिए हमारी युवा शक्ति अगर आगे आ जाए तो फिर कोई कुरीति बचेगी नहीं। मित्रों, आज ये उत्तर भारत और खास करके हमारा युवा वर्ग कहीं कहीं पर नशे की चपेट में आ गया है, और ये नशे की चपेट में जब युवा आता है तो वो अपना भविष्य भी खराब करता है, समाज के अंदर एक कुरीति पूरे समाज पर असर डालती है। तो हम उत्तर भारत में किस प्रकार से इस नशे को, मादक पदार्थों को कैसे रोक लगाएं, कैसे इसको दूर करें, उत्तर भारत के सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैंने बुलाया। मैंने कहा ये एक भयंकर समस्या आगे आने वाली है, इसको ठीक करिए, अगर ये हमने ठीक नहीं की तो भविष्य हमारा अंधकार में है। मित्रों, भाइयों, बहनों,
हम चाहे शिक्षा हो, चाहे संस्कार हो, और चाहे अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए हमको कुछ हुनर सीखना हो, कौशल विकास की बात हो, ये भी बहुत प्रावधान किए हैं। अब काम एक ही करना है, इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त करके उसमें रुचि लेना, अपने साथियों को ला करके उसमें साथ लगाना, एक साथ मिल करके चल के हम अपनी युवा शक्ति के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता में एक बदलाव देखना चाहते हैं। बदलाव के लिए सरकार ने बहुत कार्यक्रम चलाए हैं, व्यवस्थाओं को बदला है, भ्रष्टाचार के ऊपर हमने चोट मारी है, समाज की सेवाएं जो लोगों को मिलती हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हम लेके आए हैं। हमने ट्रांसपेरेंसी के नाते मित्रों देखा, युवाओं को नौकरी पारदर्शी तरीके से, कोई पर्ची नहीं खर्ची नहीं, योग्यता के आधार पर 69,000 नौजवानों को हमने नौकरी दी हरियाणा में। दी है कि नहीं दी? और इसको आगे चालू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बोलो, रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? रखना चाहिए, क्योंकि एक विश्वास हमारा पैदा होता है सरकार की व्यवस्थाओं में। यदि विश्वास पैदा हो गया तो हमारे साथ अन्याय कोई नहीं करेगा। ये जब अन्याय होता है, सबसे पहले अगर किसी का बौखलाहट किसी में होती है तो युवा के मन में होती है। युवा के मन में एक बार बौखलाहट हो गई और उसके मन में कोई रास्ता भटकने की इच्छा जाग गई तो इस युवा को रास्ते पर ला भी कोई नहीं सकता। इस युवा का रास्ता न भटके, सरकार को अपनी जिम्मेवारियां निभानी होंगी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई फेवर नहीं, नो फेवरेटिज्म, नो डिस्क्रिमिनेशन, न्याय न्याय न्याय, जस्टिस जस्टिस जस्टिस, ये हमारा ध्येय वाक्य है।